हेलो गाइस, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही ये ऊपर के साइड जाने लगा। तो मैंने आज दो ट्रेड लिया, ओवरऑल मैंने बुक किया 95, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। तो डिस्कस करते हैं लॉस क्यों हुआ मेरा। जैसा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अपसाइड मूवमेंट आया, तो मेरा शुरू से थोड़ा व्यू था कि मैं पी साइड पोजिशन बनाऊँ, क्योंकि जो भी एस एल पड़े थे वो नीचे के साइड और ऊपर का साइड कोई एस एल था नहीं, या मार्केट बेवजह ऊपर के साइड जा रहा था। तो मैं थोड़ा वेट किया, इस लेवल को क्रॉस किया तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया। एस एल मैंने थोड़ा कम रखा था क्योंकि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है तो कहीं से भी पलट सकता है, इसलिए मैंने एस एल कम रखा और टारगेट करीब ये 0.5 0.5060 का दिया था फिबो का। यहाँ तो टारगेट हिट हो गया, फिर क्या हुआ, तो 1:30 बजे मुझे एक और सेटअप दिखा। क्या हुआ था, इसने ये अपना जो दिन का हाई था उसको इसने ब्रेक करके एक अच्छा खासा अपर साइड मूवमेंट कर दिया था। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अच्छा खासा स्ट्रेच हुआ है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट तो बनता है, तो ये सोचकर मैंने यहाँ फिर से एक ट्रेड डाला। इसमें मेरा एसएल हिट हुआ, एट द एंड ये ट्रेड मेरे फेवर में ही आया। मेरा मिस्टेक यहाँ यही है कि मैंने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाता हूँ। मिस्टेक मेरा ये है कि मैंने अपना सिस्टम को फॉलो नहीं किया और उसमें थोड़ा चेंजेस किया, इस वजह से ये लॉस हुआ। अगर मैं 1:1 पे अपना जो मैं काम करता हूँ उस पर काम करता तो ये ट्रेड में मैं अभी भी बना रहता, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल लेता यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, मंडे फिर से कोशिश करेंगे। ओवरऑल आज का प्रॉफिट है 95।